सो हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आप लोग मेरे बैकग्राउंड में पूरा जंगल देख रहे होंगे। तो मोनू को और मेरे को अभी मोनू के पापा छोड़ के गए हैं यहाँ पे, और हम लोग आए हैं गोबरा वाला जो जगह, जो फार्म से है 5 किलोमीटर दूर ये। और यह गोबरा फेंका जाता है, मतलब फार्म का ही गोबरा, जो मुर्गी लोगों का गोबरा निकलता है वही, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फेंका जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे ट्रैक्टर फंस गया है, वो ब्लू वाला जो दिख रहा है उधर उधर ट्रैक्टर फंस गया है। तो ये वाला को निकाल के लिए थे, वो वाला ट्राली जो है वो नहीं निकल रहा है। तो अभी जेसीबी आएगा इधर। तो ये है पूरा जंगल, अंदर पूरा बागान है, देख लीजिए। यहाँ घर नहीं है, एक ठो आगे घर है और एक छोटा सा मंदिर है जो कि एकदम खंडहर टाइप का बन चुका है। और ये बागान है, और रोड से काफ़ी ज़्यादा, मतलब 3-4 किलोमीटर अंदर है। 2 किलोमीटर रोड आना पड़ता है, फिर 3-4 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कैसा है। और पूरा मिट्टी वाला रोड है, देख लीजिए, और पूरा जंगल है। तो आज हम लोगों का डे जंगल में बीतने वाला है। मोनू के लिए कुछ कुछ खाने का लेके आ गए हैं, और आज यहीं पे हम लोग रहेंगे। और भाई लोग भी आए हैं, देख लीजिए, ये लोग निकालेंगे। तो मोनू के पापा अभी और लोगों को लेने के लिए गए हैं बाइक में, फिर वो लोग आ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों का इधर घूमना फिरना लगा रहेगा। ये लोग इधर ट्रैक्टर निकालते रहेंगे और हम लोग घूमेंगे। तो आप लोगों को पूरा यहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसी जगह में मुझे रहना अच्छा लगता है। और यहाँ पे पानी वानी का सुविधा तो नहीं है, बॉटल में हम लोग पानी लेके आए हैं। और देखते हैं क्या है बागान तरफ। इधर भी अभी आप लोगों को दिखा दे दूँगी मैं बैक कैमरे से सभी तरफ। तो ये बागान में खीरा लगा हुआ था, लेकिन अभी ख़त्म हो चुका है, देख लीजिए। जंगल में आज फंस गए हैं हम लोग। तो ट्रैक्टर यहाँ पे दो दिन से फंसा हुआ है, 2 दिन से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आज जेसीबी मंगाए हैं, तो जेसीबी में आज फाइनली निकालेंगे। ये ऊपर एक ट्रैक्टर है, काहे है ट्रैक्टर के साउंड आती है ऊपर एक। तो मोनू इधर क्या कर रहे देख लीजिए, खाने में लगे हैं, उसके मामा के साथ खा रहे हैं दोनों। तो देख लीजिए मोनू और हम लोग जा रहे हैं, ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं इधर। ये मेरा भाई और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो मोनू आ रहा है दौड़ दौड़ के, रुक जा रुक जा, कैसे मामा के साथ आ बुलाओ। ये देख लीजिए दोस्तों, जंगल के अंदर में खंडहर टाइप का एक मंदिर है, और यहाँ फंसा है ट्रैक्टर हमारा। अयो छोटा आतड़ी हिल जात रे, रुक रे रुक रुक का। बैठार न रे वाला। ये दूसरा बार बैठा तो जिंदगी में पहला बार, एक बार बैठे रहे बराती गए रहे, दूसरा बार बैठे ट्रैक्टर में। आना रहे धर रहे वाला, धर के बैठ है। तो ये लोग दोनों चढ़ रहे हैं अभी, और आज हम लोगों को बहुत मजा आने वाला, क्योंकि हम लोग आज जंगल में रहेंगे। माम ओ माम दे दे, मामा को दे दे, धर रे ओकर खाए पर रख दे रहा। और देख भाई मोर पर्स भी उकरा है, अच्छे से पकड़े रहो। ए जांगड़े। खुशी हो जा रहा है मोनू। ए जा रहे हैं अभी ट्रैक्टर में मंदिर घूमने के लिए। अयो भगवान, उधर देख लीजिए फंसा है हमारा। डर मेरे को काफी लग रहा है। आयो, तो ये रहा हमारा मंदिर। व्यू तो काफी अच्छा है यहाँ का, देख लीजिए व्यू बहुत अच्छा है। कभी पिकनिक मनाने आएंगे यहीं पे, लेकिन पानी का तो थोड़ा जुगाड़ नहीं है। एक कुछ चार्जिंग वार्जिंग लगे के है कारे? तो चार्ज होते लाइट रहते।
ये रुक तो भाजाला उतार, रुक बेटा रुक, मामा उतारेगा, रुको रुको रुको, पकड़े रहो पकड़े रहो। तो ये देख लीजिए बदमाशी इसका, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। उतरूँगी रुको, उतरूँगी रुको, तुम लोग जाओ आ जाना, मैं नहीं जाती, देख के आ जाना जाओ। तो दुर्गा माँ का मंदिर है ये, तो पूरा खंडहर हो चुका है दोस्तों ये मंदिर, काफ़ी ज़्यादा पुराना है और ऊपर से कोई आता जाता भी नहीं है, तो काफ़ी घास फूस भी नहीं अंदर में उगे हुए हैं, और उतना ज़्यादा यहाँ आना जाना का रास्ता भी नहीं है, मतलब कच्चा रोड है, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो ये यहाँ आने का जो रोड है एकदम कच्ची रोड है, और छोटा सा सकरा सा रोड है, और ट्रैक्टर भी मुश्किल से आ रहा है, तो यहाँ गोबरा फेंकने आते हैं, तो गोबरा थोड़ा दूर में फेंकते हैं, इधर नहीं फेंकते, स्मेल वगैरह इधर नहीं आ रहा है, क्योंकि जहाँ गोबरा फेंकते हैं वहाँ बहुत स्मेल आता है। तो आगे में आता है, तो उसी लोडिंग था और लेके गए थे, तो पानी ज़्यादा होने की वजह से इसीलिए क्या बोलते हैं रुक गया, ट्रैक्टर फंस गया, दो दिन हो गए। अरे उबासी आ रही मेरे को, ऐसे जगह में नींद आता है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है, इधर हम लोग तो हैं थोड़ी देर, रुकेंगे, मनु के पापा किधर गए हैं अभी और लोगों को लेने के लिए, फिर वो लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग अपना खाना पीना जो लाए हैं उसको खाएंगे, इधर पानी का जुगाड़ नहीं है, बस वही दिक्कत है। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये मेरा सेकंड टाइम है, मैं लाइव पे ट्रैक्टर वैक्टर कभी नहीं बैठी हूँ, एक बार बैठी थी बहुत छोटी थी, तब मैं छठवीं या सातवीं पढ़ रही थी, तो बाराती गए थे शायद हम लोग, बाराती से लौट रहे थे, नहीं सॉरी बाराती से लौटे नहीं थे, मेरी भी एक फ्रेंड का शादी था, उसको छोड़ने के लिए गए थे, तो जो गाड़ी वगैरह था वो जल्दी आ गए थे, तो बाद में बचा था ट्रैक्टर, तो हम लोग उसी में आए थे, तो बड़ा मज़ा आया था। ट्राली में बैठे थे, इतना पेट दर्द होता था मेरा, वो मतलब पूरा अंदर का पेट का दर्द चालू हो जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलता है ये। तो आज सेकंड टाइम में मैं ट्रैक्टर बैठी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था मेरे को, क्योंकि एक बार हमारे गांव में एक्सीडेंट हुआ था, तो ऐसे जो मतलब इधर साइड बैठे हुए थे तो अचानक से बीच में गिर गए थे, तो ट्राली का चक्का उनके ऊपर चला गया था, जिसके वजह से उसका मौत हो गया था, ऐसे बाराती टाइम में नाइट में नींद की वजह से वो इंसान एक गिर गया था। तो वही वाला किस्सा याद आ गया आज, ट्रैक्टर बैठी तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मेरे को, और पूरा बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते कितना घना जंगल है, कहीं भी आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, तो पूरा घने जंगल में है ये मंदिर, और पता नहीं कौन यहाँ पे मंदिर बना है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ जो है उधर तो बागान है, उधर समझ आ रहा है बागान है, लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं है, तो इधर आता जाता कोई भी नहीं है, तो ऐसी जगह में मंदिर कैसे बनाए मैं नहीं जानती, लेकिन अच्छा है, चलो बड़ा सा मंदिर है, छोटा भी नहीं है, बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा घेराव है, और देखते हैं क्या होता है। एक अंकल इधर से जा रहे हैं, जो कि इधर मतलब बागान वगान देखने आए होंगे, तो एकदम कच्ची रोड है, देख लीजिए मिट्टी कैसे निकला हुआ है, तो इधर तो थोड़ा बहुत चौड़ा है, उधर हम लोग जिधर से आए ना तो साइड से बागान गया है, नाली है, और इधर नीलगिरी बागान है, और उधर बीच में एकदम सकरा सा रोड है। सो फ्रेंड देख लीजिए पेड़ के नीचे हम उन्होंने सोने का एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सो नहीं रहे तो इसमें बॉक्स को फोड़ के डाल के बाद में एक टॉवल बिछा के इनके सुलाए हैं ना, है ना, देख लीजिए। और मुनू के पापा नहीं आए हैं आप लोगों को लेने के लिए, इधर अच्छा है बागान तरफ आप लोगों को दिखाएंगे, तो मुनू के पापा आएंगे तब जाएंगे, थोड़ा सा अभी इधर हल्का हल्का धूप है, ज़्यादा भी धूप नहीं है, लेकिन धूप भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम थोड़ा बदली बदली सा है, ज़्यादा भी बदली नहीं है, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था इसीलिए धूप अभी थोड़ा सा आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और ये मनु को बोले सोऊंगा, बोले तो दुपट्टा बिछा के सुला रही है, तो सो नहीं रहे, देख लो ड्रामा देख लो इनका। हेलो दोस्तों, बोला बदमाशी, सो जा बेटी सो जा, अच्छे से सो जा। तो देख लीजिए एक्टिंग देख लीजिए, सोने का एक्टिंग ही करते हैं ये, सोते नहीं। अरे मोर बाबू सो गया रे, अरे पूरा ज्यादा निद्रा आ गया ना ना। मनु के लिए पानी भरा जा रहा है,
नारियल का पानी कितना, एक आधा लीटर? आधा लीटर होता है एक नारियल को, आधा लीटर नहीं, आधा नहीं नहीं फेंको, कटिंग करना नहीं, ये नहीं है, ये दर्द सर, घुटना नहीं सर, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, बना रहे हैं इधर अभी हमारा आशीर्वाद डाल रहे हैं, बहुत बड़ा बनने वाला है अभी, दो मंजिल का जगह बीच रखे हैं इधर जंगल में रहेंगे हम, अच्छा लग रहा है, पापा का थोड़ा देखो, पूरा है तला सर, ठीक है देखो थोड़ा सा कैसा लग रहा है टेस्ट, नारियल का पानी हल्का मीठा है लेकिन पूरा ठंडा है ना, फ्रिज में लेके रख दे रहे तो मजा आ गया था, कहाँ घूम रहा है भाई जंगल में, खुद जाओ कदला जमीन पर बेहोशी छा गए मोला, बेहोशी उधर सूट करेंगे वो देखो आदमी एक आ गया, ससुराल देख लीजिए मोनू और उसके पापा, और आज का पूरा दिन जंगल में कट रहा है देख लीजिए, ये 1:40 39 मिनट हो चुका है, और अभी कुछ भी खाए नहीं है सुबह से, सुबह नाश्ता करके आए हैं, इतना टाइम हो गया, तो ये देख लीजिए पूरा मैदान है यहाँ, और देख लीजिए खेत में घास बिल्कुल नहीं है, आगे चल के बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि उधर तालाब है एक, हर जगह है ये वाला जो लकड़ी है उसको गाड़ा जाता है, कुछ कुछ जगह आते हैं तो उधर, आइयो क्या हुआ जिससे कि बन साओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ये प्रभु यीशु मसीह के बाइबल में लिखा है, दुनिया से थके हारे लोग तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, जिंदगी आज यहाँ पे कटने वाला है, मुंगा भाजी अब बढ़े लेके जाओ, सब पेड़ रुकला दिखा दो फल फानसला, सो फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पे मेरा भाई ये शूट कर रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े संतरे हैं जो कि मेरे सर के साइज के बराबर है, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 3-4 बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, और आधा दो हैं थोड़ा छोटे हैं, तो वही दिखाने के लिए आप लोगों को लेके जा रहे थे, तो ये जो पत्ते में एक छुपा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वो, देख लीजिए जो दो दो दिख रहा है, दो 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 जोड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इतना बड़ा बड़ा संतरा मैं कभी नहीं देखी हूँ, कद्दू के साइज का है और बहुत ही बड़ा है, थोड़ा सा जो नीचे फले हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ठीक है मीडियम से थोड़े छोटे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े संतरे मैं कभी नहीं देखी हूँ लाइफ में, और इसको हम लोग फर्स्ट बार में बेल है बोल रहे थे, तो ये मेरे भाई का बड़ा हाथ है और उसमें ये पकड़ रहा है देख लीजिए इतना बड़ा है, और यहाँ पे नींबू देख लीजिए हरे हरे काफ़ी ज़्यादा फले हुए हैं, और आगे इधर बोर है तो अभी उसका जो मालिक है वो आया था, पहले नहीं था तो अभी उसका मालिक आया था, बोर चलाया था फिर उसके बाद में हम लोग उसमें हाथ पैर धोए थे, तो ये देख लीजिए बोर चल रहा है, तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, तो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और ये देख लीजिए यहाँ पे पानी को ऐसे ही स्टोर करके रखा जाता है, और पहले गड्ढा खोदा जाता है उसके बाद ये प्लास्टिक को लगाया जाता है उसके बाद पानी भरा जाता है, तो ऐसे कुछ है,
कर्नाटका में ऐसे ही होता है पानी का स्टोरेज। तो आप लोगों को कैसे लग रहा है ये यहाँ का व्यू कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं आप लोगों को सामने में मिलूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलूँगी, आप लोगों को सामने से मिलती हूँ मैं। और उम्मीद है पसंद आएगा। और ये एक घर बना हुआ है देख लीजिए, और काफ़ी ज़्यादा मतलब नारियल फला हुआ है इधर, और इधर टंकी है, और उधर वो जो ऑनर है उसका बाइक छोटा सा खड़ा हुआ है, और फिर उसके आगे जो है वो चल रहा है। तो ये देख लीजिए नल यहाँ पे चालू कर रहे हैं हम लोग, और ये पीने के लिए छोटा सा लगा हुआ है, लेकिन इसमें का तो पानी थोड़ा खारा है। और व्यू बहुत अच्छा है, मैं आगे से उधर से आ रही हूँ तो आप लोगों को मिलती हूँ मैं सामने से। और आगे जो देख रहे हो खीरे का बागान है, तो खीरा अभी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो कुछ यहाँ का व्यू ऐसा है, और मेरे को तो मन कर रहा था कि मैं यही रह जाऊँ, लेकिन क्या करें इम्पॉसिबल है, अभी काम करना है तो फार्म में रहना पड़ता जी। तो चाहता है कि उसमें नहा लूँ, लेकिन ये सोच रही हूँ कि कपड़ा नहीं लाना। बिलीव नहीं करेंगे मेरे हाथ में पकड़ने से इतना आ रहा है। उधर देखा रहे, बोतल में छोटा वाला लेके जा रही हूँ, ठीक है। बोला दिखाएगी नहीं, पूरा नींबू है देख लीजिए, बहुत ज्यादा फला हुआ है। और ये संतरा, संतरा भी देख लीजिए, बाप रे इतना बड़ा बड़ा, इधर भी है। आ जाओ एक फोटो खिंचवा लूँगा।